रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है सूरज सागर में पानी चलो। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि नमामि संगं नमामि अहम वंदामि सप्तदा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संगं शरणं गच्छामि तत्यापि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यापि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यापि संगं शरणं गच्छामि पाणातिपातावेर्मणि सिक्खापदं समार्यामि आदिन्नदानावेर्मणि सिक्खापदं समाद्यामि कामेषु मिच्छाचारावेर्मणि सिक्खापदं समाद्यामि मूसावादावेर्मणि सिक्खापदं समाद्यामि सुरामेरमज्जे पमादट्टानावेर्मणि सिक्खापदं समाद्यामि साधु 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 तीन बार नमन करोगे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि साधु 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 जय रहे 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 जय
चलंतरे जयकारे दिला दो इधर को भाई पीछे कर लो नहीं ना फूलों को इन्हें दे दो महिलाओं की ये तो ए मोमबत्ती जलानी है एक लाल बन बोझी को मकान की हार्दिक हार्दिक शुभकामना जय भगवान बुद्ध की जय भगवान बुद्ध की जय करुणा हो भगवान बुद्ध की जय करुणा हो दया हो करुणा हो भगवान बुद्ध की जय करुणा हो भगवान बुद्ध की जय करुणा हो भगवान बुद्ध बैठ जाओ आंटी जाओ जय करुणा हो मोमबत्ती जलाओ एक मत माचिस प्लेट बैठ रहो किसी जलाओ पास नहीं अब मोमबत्ती जलाओ मोमबत्ती लो मोमबत्ती से इतना मोमबत्ती से चेहरा इधर करो ठीक है जली आओ मोमबत्ती रख दो चलो वो चढ़ा दिया हमने वो चढ़ा दो वो रुको एक के गाएंगे ना कायदे चढ़ाएंगे तो सारा काम होएगा मतलब मोमबत्ती बैठो बैठो आप पीछे को जो हटा दे वो अलग कर दो चलो आओ एक एक मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाओ ना चलो फूल चढ़ा दो फूल फूल चढ़ा आओ चलो ये सिर खड़ा दूर खड़ा हाँ तुमने चलाया इन्हें चिपका दो ऊपर से जला रुको रुक जा पहला एक एक तो हम जला हो गया बैठ जाओ और कोई रहेगा चलो आप सब लोग का जो लालकिन गोलती का मकान का अनावरण हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आप सब लोगों को और हार्दिक हार्दिक बताइए आप सब लोग से मेरा ये निवेदन है एक 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 महिला उठेगी फूल चढ़ाएगी और अपने स्थान पर हाथ तो मैं दे दो वहीं से चढ़ा देंगे दे दो दे दो सब दे दो मुझे कर दो थोड़े थोड़े आप मेरा अपना हाथ मेरा भी थोड़े थोड़े मैं आप ले लेंगी हाँ अभी तो बिजी रहेंगे कोई बात नहीं थोड़े थोड़े नहीं सब दे दो बैठ जाओ आप सब लोग हमारे बीच में कन्होजा से चल के भी आई हैं मैडम से निवेदन है भी फूल चढ़ा दें फूल चढ़ा दें एक एक आओ शांति से एक एक फूल चढ़ाती रहो भाई इधर दिखाओ चेहरा तो दिखाओ चेहरा इधर करो हाँ ठीक चलते रहो बस वीडियो बन रही है चलो और बच्चे को पीछे कर रखो इसे
आज उन बुलाओ ना, आप बुलाओ ना, हाँ बस ओए पीछे उन्हें बैठेगा बैठते रहो बैठते रहो वही खाली हटाई रुक कर खान रुक रो देखो चेहरा ही इधर थोड़ा सा चेहरा हाँ बस चलते रहो ठीक है और चलो चलो चल रहे चल रहे हो चलते रहो हम लोग चलते रहो फूल चढ़ाते रहो वीडियो बन रही है क्या लगे भाई बच्चे को रखो तोड़ते रहो कोई बात अभी रुक जाओ थोड़ी देर रुक जा चेहरा दिखाओ थोड़ा थोड़ा चेहरा चेहरा वीडियो में पता किसी वीडियो हाँ चलो चलते रहो ये थाली हटा थोड़ी देर हट जाओ फूल चढ़ा दो हट जाओ पीछे वालों चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप खड़ा दो चलो चलते रहो आज सुना दो बंद तो बिजी है थोड़े तभी निकल जाओ चढ़ाने भाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी ऐसे भाई आराम से बैठो बाबा की आराम आराम से बिल्कुल आराम आराम से फोटो चल रही है वीडियो चल रही है आपकी ओए लड़के आराम करो एक एक फोटो आएगा काय दे फोटो आएगा इधर चेहरा भी दिखाते रहो माता जी हाँ ठीक है चलते रहो चलो चलो अपने अपने स्थान पर बैठते रहो सब माता जी इधर चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ माता जी चेहरा दिखाओ इधर चेहरा दिखाओ इधर चलो ठीक इधर चेहरा दिखा दो बाबू जय 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 बस बस बस
ठीक है। मंगल मैत्री होगी, सब लोग आराम से शांति से बैठे, कोई बात नहीं, वंदना होगी, आप लोग आराम से, बच्चे बच्चे तो इधर बैठ जाए सीढ़ी से, सब लोग और रहेगी, और कोई रह रही है जो भी और कोई है माता बहने, इधर देख, इधर ध्यान दे, इधर चलो चलो कोई बात नहीं है, चल रही है, चलो तो रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आगे बढ़े, पढ़े, ठीक है। तो मैं अब यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है, आज आप सब लोग इनके लिए मंगल दुनिया के लिए, और आप सब लोग जैसे माँ बंदना होंगी अब यहाँ बता, ठीक है, आपको नहीं आनी है कोई दिक्कत नहीं, आराम से Sarnam Gacchami, Param Patami
सभी को भगवान की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में मंगल हो, खुशी हो, जो सभी फूले फलें। सभी के बच्चे तरक्की करें, तरक्की तभी करेंगे अगर आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि बाबा साहब दुनिया में इस समय ऐसी शख्सियत जहाँ उनके चरित्र पर भी एक सुई की नोक कितनी मोटी होती है, सुई की नोक अगर ठीक है तो उनके चरित्र पर इतना भी दाग नहीं है। और बाबा साहब ने हमारे अपने समाज सारी महिलाएं सारे पुरुष सबके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। हम लोग चार चार बच्चे हमारे समाज के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन हमारा समाज अभी भी नहीं सुधरा। हमारा समाज आज भी नहीं बनेगा उसी पूजा पाठ में, इससे हमारा भला नहीं होने वाला और घर से जाने वाला, घर से जाने का मतलब पैसे समय ये सब जाने वाला उसके पीछे दौड़ रहे। और जहाँ बुलाने आता वहाँ कोई नहीं जाता, और जहाँ बुलाने ना आते पैसे लेंगे उधार और चल देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मानसिकता में हिंदू धर्म बड़ा हुआ है। बाबा साहब को जानते सब, जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं। बाबा साहब की एक बात नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा कि पूजा पाठ पाठक से दूर रहो, उस पैसे को बचाओ और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बड़े बड़े स्कूलों में भेजो। और एक बात और कही बाबा साहब ने कि सुबह को 2 घंटियां बजती हैं, सुबह 4 या 5 बजे घंटी बजती है मंदिर की, और 8 या 9 बजे बजती है स्कूल की, और निर्णय आपको करना है कि कौन सी घंटी बजाना है। क्योंकि अगर मंदिर की घंटी बजते ही हम जाएंगे तो वहां से हम भिखारी बन के निकलेंगे, और स्कूल की या कॉलेज की घंटी बजते हम कॉलेजों में जाएंगे तो अधिकारी बन के निकलेंगे। ये बात आपको समझनी है, हमें भिखारी बनना है या अधिकारी बनना है? अधिकारी। अगर अधिकारी बनना है तो बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। सभी को अपना नशा और इधर उधर हिंदू धर्म में पैसा जो देते हैं उसे रोक के अपने बच्चों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे सभी का भविष्य उज्जवल होगा और सभी का नाम ऊंचा होगा। इसी के साथ जय भीम। अपने विचार अच्छे काम में लगाइए।
पाखंडीपन से दूर रहिए। बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, धन्यवाद। आज सबको बुद्ध पूर्णिमा के बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप आए सम्मिलित हुए और लाल सिंह बोध जी को कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। क्यों कि रूढ़िवादी परंपरा से निकल के बौद्ध परंपरा से अपनी भी विरासत जो बाबा साहब ने हमको दी और हमको समझाई, हमको बताई, उसका अनुसरण कर रहे हैं, अपने आलिशान घर बनाया है। इनको हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, इनके बच्चे, इनका परिवार सब सुखी मंगल में रहे। और गौतम जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, गौतम जी के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, आप कुछ संदेश लेके जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे तो सबको पता ही है, लेकिन बाबा साहब ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए हमारी हमें अकल भी दी और हमें साक्षात नौकरी भी दी, शिक्षा भी दी, सब बाबा साहब के मान सम्मान से जीने के स्वाभिमान जगाया। तो स्वाभिमान का ध्यान रखो, मेरा सबसे पहला और सबसे यही अनुरोध है कि स्वाभिमान निर्भीकता से जिन सब स्वाभिमान से जियोगे तो उसमें सब समाहित है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, दूसरे के बेगार निकालोगे, अपना काम करोगे, बच्चों को काम सिखाओगे, एगो से दूर रखवाओगे और अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखोगे। इसी के साथ मैं आपको सबको जो है जय भीम करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ सब मैं खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं और वो भी अगली पीढ़ी भी खाएगी, क्योंकि मैंने जो कुछ है बाबा साहब का दिया हुआ है मेरे पास, बाबा साहब की आठ से महीनों भी लगी, उसी के अगर मैं नौकरी ना लगती तो मेरे तो कहीं किसी के बेकार करता तो कितने पैसे होते, बच्चे भी ना पढ़ पाते, ना बच्चे पढ़ते तो तीसरी पीढ़ी भी गायब, जैसे कि हमारी कई पीढ़ी चली गई। तो बाबा साहब ने जो हमें दिया उसको हम कोटि कोटि अभिनंदन करते बाबा साहब को, और बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध का धम्म का रास्ता बताया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमें अपने बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाना चाहिए। और लोगों को हमारे गौतम जैसे लोग बहुत जा रहे लोगों को, गौतम जी ने हमें काफ़ी बताया, हमें भी जानकारी कम थी पहले, धीरे धीरे हमने पढ़ा फिर समझा, पीड़ित सब हैं, एहसास कम हुआ, एहसास करो कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होना है हमें, ठीक है। इसी के साथ सभी को आज गौतम भगवान बुद्ध की जयंती की सबको हार्दिक मंगल कामना है। और सबसे बड़ा जो योगदान हमारे लाल सिंह बोध जी का, जिन्होंने इस गांव में बहुत रीति से अपने घर में प्रवेश किया है, और सभी ऐसा ही करें, अपने जो संस्कार बदले, जब बदलोगे ही बदलेंगे, ना बदलोगे कैसे बदलेंगे, तो आप सभी अपने संस्कार बदलो, बाबा साहब द्वारा रास्ते में चलो। भाई फोन काटा है किसका? देखो एक पाखंडवाद की जागते हुए मिसाल आपको बता दूं, मेरे याद आ गई तब याद नहीं आई। हम अपना भविष्य पंडित के पास दिखाने जाते हैं, पंडित अपना भविष्य खुद नहीं देखता और हमें भ्रमित करके हमें उल्टा सीधा बता देगा, हम उसमें विश्वास कर लेंगे। पंडित को यहाँ तक नहीं पता, एक जाट और जाटनी है वो पंडित को बुला रहे हैं हर कार्य में, उनको खेत में बोरिंग कराना है, पानी खेत में पानी लगाने के लिए, और पंडित की बहुत तरह से वो उसकी खातरदारी करते थे। वो तो एक दिन जाटनी ने कहा कि आज इसे तो प्रथम जी इसमें कितना ज्ञान है, तो उसे चावल बूरा दिए, नीचे तो घी रख दिया थाली में, ऊपर उस घी के ऊपर बूरा रख दी और उसके ऊपर चावल रख दिए, और पंडित जी को कहा कि जी पंडित जी देख के उसे खाने को सूखे दिन तो इतनी खातर पानी कर रहे हैं, आज इतनी भी नहीं कर रहे, खाली चावल दे दिए, जबकि सारा माल दे दिया उसमें जो दे हुए थे। वो जाटनी कहने लगी कि पंडित जी चीमू खाओ, वो कहने लगा जिजमान आपने तो इसको कुछ भी नहीं दिया, खाली चावल है। तो जाटरी जब भी खड़ी होकर कहने लगी कि तुझे कितने ज्ञान है इसमें पता क्या क्या है, क्योंकि इसमें खाली चावल है। तो जाटरी ने उठा वो हाथ से करा, देख ये चावल, चावलों के नीचे बूरा और बूरा के नीचे घी, मैंने उल्टा ही तो कर दिया, पहला चावल फिर बूरा फिर घी, ऐसे देते थे। वो कहने लगी तुझे क्या पता जमीन कितनी गहरी है, 120 या 140 फुट पर हम बोरिंग कराएंगे कि यही पानी है, तो सबका बेवकूफ बना है, उसको डंडे से मार के भगा दिया। कितना बुरा है, और
कितना बनाता है और रामा कितना ज्ञान देता है, इसी से समझो। सभी को जय भीम नमो। किसी को अपने विचार रखने हैं, कोई रखना चाहता माता बहन कोई कोई रखना चाहता मेरा तरफ सब लोग मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप भी करो मंगल हो, मैं 15 मिनट में अपनी बात आज अच्छी करूँगा, जो आपने सुनी होगी और ना देखी होगी। सब लोगों को धन्यवाद, सभी को जय भीम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद और प्रांत सुनो। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद है, कोटि कोटि सातवाद करते हैं हम। और बुद्ध पूर्णिमा की आप सब लोगों को बार बार हम बधाई देंगे। कारण क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि संसार के अंदर बुद्धिस्ट जो भारत में थे वो केवल हमारा हिस्सा, बाकी कोई नहीं, जो ना लोग ना खुश है हमारी जो जैसी राजनीति परिस्थितियाँ रही हैं। आज जयंती है, हमारे पढ़े लिखे लड़की लड़कों को ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बीत गया वो तो वापस आएगा नहीं, आने वाला जो वक्त है जो ये हमारी छोटी छोटी जनरेशन है इसे हम कैसे बचाएं। हमें फोकस 80 साल के बुजुर्ग पे है, माता पिता है, उसको तो करोना होगा, उसका तो ब्लड होगा, हमें रखना इन छोटे छोटे इन्हें डॉक्टर मास्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कैसे वो कैसे बनाओगे जब एक दूसरे से लड़ाई एक दूसरे एक गुलाब चुटी चपट्टी एक दूसरे से जलना बंद करके एक दूसरे की मदद करने का प्रयास। जब तो हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध केवल हम खड़े हों आज जा रहे हैं और अपने घर पर चले जाए, ना तो आपका भला होगा ना हमारा, गलत सही है। हमें दान कहाँ करना है, जैसे आपने आज ये दान करा दो तो 5-5 ये दान भगवान बुद्ध के चरणों में दिया, ये वहां जाएगा जहां अगला कार्यक्रम होगा इसी तरीके उनके लिए जाएगा, फिर वो दूसरी जगह देगी तो दूसरी जगह जाएगी। ये आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, दान देने से हृदय परिवर्तन होता है, मन जो है शीतल होता है, मन मन के मैन होते कष्ट है। और आप सब लोग पहले जा, अब जो कोई आ रहा है उसे वहीं बैठाते छोड़ दे, कहते अभी पापा है लालमन जी हमारे बहुत सज्जन आदमी है, बहुत दिन से हमें जानते भी हैं, हम ये बिटिया की शादी में भी आए थे जब हमारा कार्यक्रम रात में चल रहा था, लेकिन शादी में भी हुआ। एक बार क्या हुआ कि आप सब लोगों ने भसोड़े पूजे होंगे, झोड़ है नहीं आया तो किसी आदमी ने आपसे कहा था कि भाई आप लोग होड़ में जाकर मट्टी कहा था, किसी ने होली मनाने के लिए किसी ने कहा था, दिवाली मनाने के लिए कहा किसी ने, रक्षाबंधन के लिए कहा किसी ने, किसी ने नहीं कहा। हम दूसरों को दोष न देने हमें देखना, हमें ये देखना है कि मोदी नगर के अंदर गाजियाबाद के अंदर मेरठ के अंदर कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है या कौन सा अच्छा कॉलेज है जिसमें मेरा बच्चा पढ़े और हिंदी में कोई नोट पढ़े। अगर आपको अपना परिवार अंधकार में डालना है तो उसका तो कोई इलाज नहीं, ना भगवान बुद्ध के द्वारा, ना बाबा साहब के द्वारा, ना हमारे द्वारा। और जो ये है कि भाई मेरे बच्चे भी आगे तरक्की करें तो सोसाइटी चेंज करनी पड़ती है, सोसाइटी अगर चेंज करोगे डॉक्टरों की क्या रहोगे डॉक्टर बनोगे, वकीलों की क्या रहोगे वकील बनोगे, मास्टरों की क्या रहोगे मास्टर बनोगे, और बेवड़ों की क्या रहोगे तो शराब बनोगे, रास्ते सारे निकलते हैं, चलना आपको है कि कौन कौन से। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, मैं कोई ऐसी चीज नहीं दूंगा कि आपने खूब चढ़ाया है भगवान मेरी मदद पूरी कर दे, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये प्रतीक है कि हम आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपके बताए रस्म चलना हमें ही पड़ेगा, भगवान बुद्ध नहीं चलेंगे ना बाबा, चलना हमें। आप सब लोग बाबा साहब की विचारधारा को सुनाएं, जितना भी अपने अड़ोस में पड़ोस में गांव में मोहल्ले में हो वहाँ चर्चा करना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो गीत गाए जा रहे थे बाबा साहब के वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी नहीं
ठीक है ना। तो आप सब लोग अपने खाना भी लाल सिंह बोल के लिए बनवाया बनाया ना, कलाकंद बहुत मशहूर रहे है ना, है नी। आप सब लोग एक बार क्या हुआ माता जी सुनो, अब आमी जी घूम जाओ किसके क्यों क्या हुआ इसको बैठ दो, इधर बैठ दो। एक बार क्या हुआ, एक बात मैं बता रहा हूँ फिर खत्म करूंगा, आप लोगों को फोन नहीं होगा। एक औरत थी, उसका गरीब परिवार से थी, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद में उसके एक सुंदर सा लड़का हुआ, अच्छे घर में चली गई, वो हष्टपुष्ट लड़का बच्चा हुआ। जब बच्चा इतना बड़ा हो गया तो उसे काले नाग ने डस लिया, काले नाग ने, एक नए लड़का। वो उसके वियोग में इतनी पागल हो गई, उसने 8-10 दिन तक उसे अपनी छाती से छिपाए रखा, बिल्कुल कपड़े लत्ते खाना पीना सब कुछ, चारों ओर वैद्य डॉक्टर सबसे कह दी कि भाई मेरे बच्चे बावड़ी होगी पूरी तरह। किसी ने कहा कि ऐसा है या श्रवण आए हुए हैं, भगवान तुमको श्रवण भी कहा, श्रवण गौतम आए हुए हैं श्रावस्ती में, और अगर तेरे लड़के को कोई जिंदा कर सकता है तो वो केवल गौतम कर सकता है। वो गई अपने लड़के को ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दे कि मेरे बेटे को जिंदा करो। उसने कहा सब लोग कह रहे हैं कि तुम जिंदा कर सकते हो, कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, आपको एक काम जरूर करना है मेरा, कि आपको 5 चुटकी राई, राई समझे ना, सबसे बड़ा 5 चुटकी राई लानी है। लेकिन आपको लानी मस्त है कि जिस घर में कोई मौत ना हो। वो गई किसी के घर जा रहा है, मुझे 5 चुटकी राय चाहिए, मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा, मुझे 5 बोरी ले जा सकते, पर एक बात बता दो कि इस घर में कोई मरा था नहीं, ऐसा कोई घर उसे सुबह से शाम तक नहीं मिला, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का नाना, ना मरा। शाम को जब उसे होश आया था, भगवान बुद्ध के चरणों में जाके गिर गई, उसे कहते हैं किस्सा गोद ले। जब उसे होश आया, भगवान बुद्ध ने उस बच्चे का संस्कार करा अपने हाथों से, अंतिम संस्कार, और उसे कहा कि दुनिया के अंदर जो जन्म देगा उसे मरना है, और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको दुख ना हो, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण, निवारण का मतलब होता है रस्ता, हल, समस्या। हम झगड़ा करेंगे तो थाने जाएंगे, थाने पर अदालत खाने पर, और आप सब लोग को मेरी तरफ से कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, और माता जी जितनी हमारी बैठी हैं उनको कोटि कोटि चरणों में नमन करता हूँ, गलती सलती के लिए क्षमा है, आप सब लोग धूमधाम से मनाएं, अपने अपने घरों को आज शाम अपने अपने घरों पर सब लोग मोमबत्ती लगाएंगे, जैसे दिवाली के दिन लगाओ, बिना कहे लगाओ ना, वो लोग पटाखे लेंगे, हमें 2000-4000 पूरे गाँव में लिख लेती है, बाबा साहब के भवन पर झाड़ू नहीं लगाइए, लगवा दोगे ना। अगर धारा एक खत्म कर दी जाए ना, एक घंटे के अंदर दुनिया में तो खत्म कर दिया जाएगी, चमार का राशन बट रहा, राशन हमारे भवन में बटेगा क्या, आपकी दुकान बांटा ना राशन बांट। तो इसलिए बत्ती सामने दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ा दिलाओ, और इसी सब के साथ मैं श्री मंगल मैच भी कराऊंगा, ठीक है, जय भीम। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सारे प्राणी सुखिया होए रे, सारे प्राणी सुखिया हो, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सभी प्राणी सुखिया होए रे, सभी प्राणी।
भोजन हो जाए तो और मेरे नमन करो इधर नमन करो खीर लाओ उठ जाओ मैडम उठो बाटो अपने हाथ खीर बाटो इन करो क्या भोग ना लगे माता बुझ रही है सब लोग बैठ कर नारायण भोज जी का पूर्णिमा के दिन पूर्णिया मकान का गृह प्रवेश हुआ और जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपने अपने गीत गाए और मंगल मैत्री हुई सबे सप्ताह हुई तो अभी एक गीत चला अब जागो सवेरा हो गया Yeah.
बहुत साधवा Thank you.
खड़े हो गए बाबा साहब का जयकारा बोल दो नहीं ऐसा है। अब आप लोग खाना खाओ।